एक मन के अंदर डर बैठ गया था अब हम क्या करेंगे कि अगर मैंने लड़की को जन्म दे दिया तो आगे क्या होगा। और जो जन्माने वाले जो औरतें हैं वो ले जाती मेरे को जमीनी में काट दिया उन्होंने जिंदगी। मेंटल एंड फिजिकल वायलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हर समय गाली गलौज करते। एक बार जब मैं प्रेगनेंट थी उस प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे बहुत बुरी तरह से मार पड़ी थी। मेरे माँ ने मेरे को प्यार नहीं दिया कभी क्योंकि अरे लड़कियों को पढ़ाना मैंने क्या करना वैसे भी चूल्हे चक्की किसी का करेगी भैया के बोठे में तवेले में मेरे बच्चे का जन्म हुआ। वो कह रही थी कि दीदी मुझे किसी सूरत में बचा ले मैं मरना नहीं चाहती। अरे जलते हुए मुर्दे के ऊपर मैंने रोटी भून के खाई। एक बहुत बड़ा मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे इस लाइफ में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। सच्ची लगन है और आपका मेहनत है तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जिस मातृभूमि को हम भारत माता कहकर श्रद्धा प्रकट करते हैं उसी मातृभूमि में सृजन की शक्ति रखने वाली बेटियां सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए क्या आज़ाद हैं। लंबी कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरे देश के साथ समाधान तलाशने का मौका मिला है। स्वागत है आप सबका हमारी इस खास पेशकश में। पहली बार हम उन सब बेटियों को एक मंच पर लाए हैं जो सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं और इस कोशिश में हमारा साथ दे रही हैं देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती मेनका संजयता। बेटियों की खुशहाली की सोच मन में लिए जब मैं मेनका जी से मिली तो मेरी इस सोच को जैसे पंख मिले। सरकारी ढर्रे से दूर तुरंत फैसला लेकर उन्होंने न सिर्फ इस विचार को नई ताकत दी बल्कि मुहिम को व्यापक बनाने और इन बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आज हमारे बीच भी पहुँची हैं। और टीआरपी की इस दौड़ में बेटियों की कहानियाँ हर दिन न्यूज़ चैनल पर दिखाने की ये कोशिश मुमकिन नहीं थी फोकस न्यूज़ के ग्रुप एडिटर इन चीफ संजीव श्रीवास्तव के बिना, जिन्होंने इस सोच को संबल दिया। सर, अभिनंदन है आपका पूरी टीम की तरफ से और गुजारिश ये कि आप हमारी बेटियों और मेनका जी का स्वागत और मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रीमती मेनका गांधी, मेरे बहुत प्रिय मित्र और ईटीवी चैनल्स के अध्यक्ष जगदीश चंद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, नासिर साहब और इस कार्यक्रम की जो असली नायिकाएं हैं, असली हीरोइंस हैं, आप सब बेटियां, बहनें, दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रीमती मेनका गांधी स्वयं ऐसी एक महिला हैं जिनके साहस की दाद पूरा देश देता है। अगर जैसे आप सब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, मेनका जी हैं, तो अगर किसी में उसी तरह से डॉक्टर मीना जुझारूपन, पत्रकारिता, सच्चाई, ईमानदारी, एक्टिविज्म सबका पुट इस लड़की में है। और मेनका जी के पास समय बहुत कम है, हम कार्यक्रम को फौरन शुरू कर रहे हैं। क्या है ये शो, एक झलक उसकी। कभी सामाजिक परंपराओं को पीछे छोड़कर, कभी बंदिशों को तोड़कर, कभी अपने अस्तित्व के लिए तो कभी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, जब जब बेटियों ने बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। ये कभी न खत्म होने वाली कहानियां हैं उन लाखों करोड़ों सपनों की जो आगे बढ़ते भारत की तस्वीर बयां कर रही हैं और समाज की ये खूबसूरत तस्वीर सामने लाने का जरिया बने हैं हम। मेनका जी, I'm sure इन सब बेटियों की मेहनत को देखकर लोगों का नजरिया जरूर बदलेगा। शुरुआत करते हैं उस सफर की जिसके लिए देश भर की बेटियों को हमने यहाँ स्टूडियो में बुलाया है, आमंत्रित किया है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं झारखंड। लड़ाई शुरू हुई मेरी मतलब मल्टीपल स्टेजेस की गई, तो आर्थिक लड़ाई थी, तंगी इतनी थी कि मतलब उसको पहाड़ से बड़ा भी हमें लग रहा था कि इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे निकले,
क्योंकि इस हादसे के बाद हम लोग घर से बेघर हो गए, एकदम से पिताजी की नौकरी चली गई और हम लोग एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन के आ गए। जी हाँ, फिर से खड़े होने का फैसला सोनाली मुखर्जी ने किया तो व्यवस्था भी जागी और समाज भी साथ खड़ा हुआ। झारखंड के बोकारो के डीसी ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करने वाली इस बेटी को ये नौकरी भी तब मिली जब उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। खुद के साथ हुए अन्याय की जानकारी दी और एसिड अटैक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बहस को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। और सोनाली की कहानी में जितना साहस है उससे ज्यादा तकलीफ है और कहीं ना कहीं ज्यादा उससे भी सहानुभूति जो लोग दिखाते हैं। लेकिन बेटियों की हिम्मत बढ़ाने वाली ये बेटी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। नंदशोर मेनका जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेनका जी, एसिड अटैक आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा सच और कड़वा सच है। सोनाली है जिसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, लेकिन बहुत सारी बेटियां हैं जो बंद कमरों में हैं। क्या सोचते हो, हमें क्या करना चाहिए? मैम, मेरे गार में तो आपने सुना, मुझे अभी की जस्टिस नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको की न्याय नहीं मिला। बहुत सरकारी कागजों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें बहुत संघर्ष के बाद भी बहुत कुछ नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों ने एक चीज़ जो हमने शुरू किया है और एक ही मैं लगा पाई हूँ अभी तक, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं 600 से ज़्यादा लगाऊंगी, वो है एक वन स्टॉप सेंटर जिसका नाम है सखी। और उसमें अगर कोई भी औरत के साथ धमकी से लेकर के एसिड अटैक अगर हो, तो इसमें हम आपको मुफ्त में डॉक्टर, वकील, सारे सहायता हम देंगे। और ये बहुत, ये जो सखी केंद्र है, ये बहुत दूर जाएगा औरतों की रक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली, और मेनका जी आपका भी, कि आप इन जैसी बेटियों को लगातार भरोसा कैसे इनका बढ़े और साथ कैसे लें, इसका हमें यहाँ पर कम से कम वादा कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की एक दादी भी इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए निकली थी, 10 साल की अपनी पोती को शूटिंग रेंज तक पहुँचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की एक दादी घर से निकली थी 15 साल पहले 10 साल की अपनी पोती को शूटिंग रेंज तक पहुंचाने के लिए। छोटी बच्ची की हिम्मत नहीं हुई तो दादी ने पिस्तौल हाथ में उठाकर निशाना लगाने का तरीका बताया। जिंदगी में पहली बार हाथ में उठाई पिस्तौल का निशाना इतना सटीक था कि शूटिंग रेंज में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिट्टी में सरसों के फूल उगाने वाली ये महिलाएं अब शूटिंग के नए खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। और दुनिया की परवाह किए बिना गांव की बेटियों के लिए नए रास्ते तलाश रही ये दादियां आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आपका। मेनका जी, ये कमाल आपने इससे पहले देखा है? आपके बंदूकों के लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस की बंदूक नहीं है। अच्छा, तो मैं कुछ और बोलूं, मैं आपके जरिए एक और मुहिम शुरू करना चाहती हूँ और वो है दादी पोती। जैसे आपने अपनी पोती के लिए ये सब किया, उसी तरीके से दादी फैसला करती है कि लड़की पैदा होगी कि नहीं होगी। होनी चाहिए लड़की। अगर दादी फैसला कर ले कि जो भी है वो पैदा होगी या होगा, तो फिर परिवार में ये जो बेटी बचाओ की मुहिम जो हम चला रहे हैं उसको मुझे चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर दादियाँ अपने लिए फैसला कर लें। तो मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। इस तरह का अगर हमारा ये भरोसा यहाँ पर मेनका गांधी जी ने दिखाया है। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जगदीश चंद्रा, ईटीवी के हमारे ग्रुप हेड, जो इस पूरे कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। सारे हिंदी चैनल्स पर ये कार्यक्रम साथ साथ देखा जाएगा ताकि बेटियों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आदरणीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका जी, मेरे मित्र संजीव श्रीवास्तव, मीना जी और देश का गौरव ये सारी बेटियां और बहनें, मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप सब के बीच में आकर के। मुझे गर्व है, देश को आप पे गर्व है। इसके साथ ही
मैं मेनका जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो यहाँ आई, इस कार्यक्रम से जुड़ी। सचमुच आज इस कैबिनेट में गिने चुने ऐसे मंत्री होंगे जो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने ग्रास रूट हैं और एक आम आदमी की भाषा में उसी कमिटमेंट के साथ, उसी मिशन के साथ बात करते हैं। जब वो कहती हैं कि आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, और जो अखबार में पढ़ती हूँ उसी कटिंग साथ लेके जाती हूँ, अफसरों को देती हूँ कि इसको मेरे एजेंडा में, मेरे मैंडेट में शामिल करिए, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। इसके साथ ही मैं फोकस के इस प्रयास को, संजीव श्रीवास्तव के इस प्रयास को, मीना शर्मा के इस प्रयास को, उसकी सराहना करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा मैडम कि आम तौर पे आज जो मीडिया है उसमें एक चैनल पे जो कार्यक्रम आता है आम तौर पे दूसरा चैनल उसको नहीं दिखाता है, लेकिन हमने इस लार्जर इंटरेस्ट में और फोकस इस प्रयास को देखते हुए इस लक्षण रेखा को तोड़ा है, इस परंपरा को तोड़ा है, और ये कार्यक्रम ईटीवी के 14 राज्यों के सभी चैनल्स पे चलेगा। 20 करोड़ दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे। आपकी आवाज़ को, आपके काम को और मैडम के मैंडेट को 20 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाना अब हमारा काम है। और ईटीवी के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक ग्रास रूट चैनल है, इट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, इट इज़ द वॉइस ऑफ रूरल इंडिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले पहला इंटरव्यू ईटीवी नेटवर्क को दिया था, इसलिए कि इस चैनल की रीच ग्रास रूट पे है। और जिस ढंग से आप काम कर रही हैं, फोकस काम कर रहा है, मैं इस चैनल के इस प्लेटफार्म को आपके डिस्पोजल पे रखता हूं और चाहूंगा कि अब आज से हर आंगनबाड़ी केंद्र मेरा टीआरपी सेंटर होगा। आप जो करना चाह रही हैं, जो करना चाहती हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र को एक पोषाहार सेंटर की इमेज से तोड़ के हटा के आगे ले जाना चाहती हैं, आके उस प्रयास में यह चैनल आपके साथ है। आप अपने ऑफिसर से कहें कि हमें मटेरियल दें, हमें मिशन दें, हमें प्रोग्राम दें, हम आपकी आवाज़ को, इन सब की आवाज़ को, वुमेन चाइल्ड के कोज को 20 करोड़ परिवारों तक, हर आंगनबाड़ी केंद्र तक हम लेके जाएंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश चंद्रा साहब कि आपने हमारे इस सफ़र को, इस मुहिम को इतना बल दिया, मनोबल बढ़ाया, देश की बेटियों का भी। और मेनका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इन सब बेटियों को साथ लेकर चलने का, यहाँ कम से कम इनको भी भरोसा दिलाया है। तो अभी कई इम्तिहानों से गुजरना है बाकी, जिंदगी जीत कर निकलना है बाकी, कहीं जाइएगा नहीं। साहस और सफलता की कहानियों का ये सफर जारी रहेगा, मिलवाएंगे आपको कुछ और शख्सियतों से। और स्वागत है हमारे बीच में, आज मौजूद हैं गुजरात की मुख्यमंत्री और गुजरात की आयरन लेडी। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करती हूं एक बार फिर से ग्रुप एडिटर इन चीफ संजीव श्रीवास्तव जी को गुजरात की मुख्यमंत्री के अभिनंदन के लिए, हमारी बेटियों के उत्साहवर्धन के लिए। लंबा सोच रखने की, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली नेता आप हमारे बीच में आई हैं, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हैं। पहले तो पूरे देश भर से आई हुई सभी महिलाओं को मैं नमस्कार करती हूं और धन्यवाद देती हूं। हम दो कहानियों की चर्चा आपसे ज़रूर साझा करना चाहते हैं, दो ऐसी बेटियों से रूबरू करवाना चाहते हैं जिन्होंने कामयाबी का सफ़र किस तरह से पूरा किया है। अगर देखेंगे तो लाखों बेटियां उनसे प्रेरणा लेंगी। इरा सिंघल, देश के ज्यादातर लोग इस नाम और चेहरे को पहचानते हैं। पिछले कई दिनों से टीवी के बड़े एडिटर्स के साथ दिखने वाली, अखबारों में बड़ी जगह बनाने वाली, पहली बार लोगों ने जाना कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहली जगह हासिल करने वाली ये बेटी विशेष रूप से सक्षम लोगों की श्रेणी में आती है। बचपन में ऐसा भी हुआ कि उसकी शारीरिक परेशानी के कारण कुछ स्कूल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब चार बार बेटी सिविल सर्विसेज में सफल हुई तो माता पिता को 31 साल की तपस्या का फल मिला।
2010 में पहली बार IRS बनने के बाद जब शारीरिक कमी बताकर इनकम टैक्स विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो इस बेटी ने कैट का दरवाजा खटखटाया और 2 साल बाद आखिरकार केस ईरा के हक में आया। लेकिन केस लड़ते हुए भी वे बार बार परीक्षा देती रही और उसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि 6 बार इस इम्तिहान में बैठी और आखिरकार देश की सबसे इंटेलिजेंट बेटी बनी। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। ईरा सिंघल अकेली नहीं है जिसे व्यवस्था से लड़ना पड़ा। ईरा जैसी एक और बेटी है जिसके साथ कुदरत ने नाइंसाफी की मगर उसने हार नहीं मानी। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा माने जाने वाली IAS की परीक्षा में सफल होने वाली ये दोनों बेटियां आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सारिका और ईरा, स्वागत है आपका। दोनों को तो पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने कष्ट उठाकर परिश्रम करके उस मुकाबला हासिल किया है। मैं तो सर्विस में आ गई हूँ पर जो बाहर लोग बैठे हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको हम सुनकर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आनंदी जी, यही हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे ईरा को कैट जाना पड़ा, सारिका को मुख्यमंत्री से जवाब मांगना पड़ता है, क्या शिखर पर महिलाएं आप जैसी पहुंचती हैं तो पॉलिसीज में बदलाव की दिशा में काम होता है और मुख्यमंत्रियों को कम से कम सारिका और ईरा को नहीं? पॉलिसी तो है ही, पॉलिसी है, उड़ीसा में भी शायद होगी, हमारे यहाँ भी होगी है, लेकिन पॉलिसी के अनुसार काम चलता रहता है। क्या आनंदी बेन हम उम्मीद करें कि सारिका के लिए आप प्रधानमंत्री को गुजारिश करेंगी? मुझे दे दो, मैं वहाँ भिजवा दूंगी और चर्चा भी करेंगे। तो हमारे इस मंच से हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचाएंगी सारिका की तरफ से और देश की तमाम बेटियों की तरफ से। पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंदी जी यहाँ आने के लिए, धन्यवाद आपका भी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। किल है आबादी में आधी होने के बाद भी कुछ लोगों ने महिलाओं को द्वयम दर्जे का समझा और उन कुछ लोगों की वजह से ही ये दीवार खड़ी हुई है। हम इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर। दुनिया भर में नारी शक्ति ने अपनी काबिलियत की बदौलत बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया है। ऐसी ही एक मिसाल है शालू जिंदल। शालू जिंदल एक बेहतरीन नृत्यांगना, लेखिका, पर्वतारोही और मजबूत इरादों वाली समाज सेविका है। शालू जिंदल ने शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी को पूरे उत्तर भारत में अलग पहचान दिलाई है। भारतीय महिलाओं की आत्मनिर्भर, मजबूत, आत्मविश्वास से भरी तस्वीर पेश करने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। शालू जी, कैसे मुमकिन हुआ ये दोनों का मिश्रण? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मीना जी कि आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया। आज अब के बरस मुझे बिटिया ही दीजिए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज की हमारी बहुत ज़रूरत है अपने देश में, जो हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम लोग आगे लेकर आएँ, उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है आपके TV चैनल की तरफ से और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करती हूँ। मिलवाते हैं राजस्थान की एक बेटी से जिसका संघर्ष रोजाना सुबह शुरू होता है और इसी के दम पर वो अपना जीवन संवारती है। दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाला ये जयपुर का सिटी पैलेस है, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले राज परिवार को दुनिया से रूबरू कराने का काम पारो करती है। मुस्लिम समाज की इस बेटी ने सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटे तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी शिद्दत से की। महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अब वो बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करती है। इन सब सीमाओं के बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परिवार को आगे बढ़ा रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। परंपरागत मुस्लिम परिवार में तमाम बंदिशों के बीच से निकलकर चुपके चुपके पारो आज हमारे बीच यहाँ पर भी पहुंची हैं। शायद ज्यादातर लोग जानना चाहेंगे
कि ये फैसला कैसे लिया। स्वागत है पारो आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपको देखने के बाद, आपकी जो कहानी है उसको देखने के बाद, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इसे एक तरह से करियर ऑप्शन ले सकती हैं। तो पारो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब आप निकलती थी सर्दी और गर्मी, लोग देखते थे बहुत सारे, और वहाँ पर हॉकर्स के बीच में भी आप अकेली रहती थी, उस समय रिएक्शन लोगों का क्या रहता था, लोग क्या कहते थे? उस टाइम पे तो सभी देखते थे, तो ये कहते थे कि लड़की होके पेपर बांट रही हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर अब सबको तो मेरे फिर ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर कुछ कमेंट्स करते, कोई क्या कहता। रात के अंधेरे में जाने में बहुत डर भी लगता था। शालू जी, ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाने में समाज की भी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और जैसे मैंने कहा कि आपने अपने परिवार को भी कन्विंस किया कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको ये करना चाहिए। आई थिंक परिवार भी ये देखते हैं, सोसाइटी भी देखती है कि अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपके लिए यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बढ़कर आप बहुत बड़ा नाम कमाएं और भी आगे बढ़ें। मैं मुझे बहुत से सभी ने मुझे वैसे बहुत सपोर्ट किया है। मैं 9th क्लास में थी तब से मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती थी और फिर उसके बाद स्कूल जाया करती थी 8 बजे। वहाँ से आने के बाद इवनिंग में मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा था, वहाँ पे नर्स भी रह चुकी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। पारो, आपने जो कुछ किया है वो बेमिसाल है, और आपकी जैसी बेटियाँ लगातार देश में अगर ऐसा करती रहें तो ये बेटे भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझें कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं।